तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं, क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक देख चुके थे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, तो बोल रहे हैं डाइंग दी फार्मूला यूज्ड इन कैलकुलेटिंग दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए सर्टेन मास ऑफ सबस्टांस। उस फार्मूले को मुझे लिखना है जो किसी सबस्टांस में प्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो वो फार्मूला कहाँ से आएगा? तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल यानी एन इजकल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एक और फार्मूला जानता हूँ कि नंबर ऑफ मोल इजकल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल। एक फार्मूला और मैं जानता हूं कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल का मतलब आपको पता ही होगा, पार्टिकल का मतलब आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और रेडिकल भी हो सकता है, और डिवाइड बाई 6.022 × 10²³। अगर मैं मान लूं कि पार्टिकल क्या है आपका, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, क्या है, मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से मेरा नंबर मॉलिक्यूल क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, अगर मैं पार्टिकल को मॉलिक्यूल मान लूं तो आपका है एन इंटू 6.022 × 10²³, है ना। अब एन की वैल्यू क्या थी, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम इंटू 6.022 × 10²³। अगर अब मैं बोलूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू निकल के क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू वेट ऑफ सबस्टांस, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सबस्टांस इन ग्राम, और डिवाइड बाई आपका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास और मल्टीप्लाई बाई 6.022 × 10²³। तो दिस इज आवर फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मॉलिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इन ए सैंपल। किसी सैंपल में प्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है, वह तो आपका फार्मूला कुछ और नहीं बल्कि यही फार्मूला है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर अब 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है वाट मास या वेट इन ग्राम इज रिप्रेजेंट बाई 0.2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.01 मोल ऑफ अमोनिया एंड 0.5 मोल ऑफ H3IO6। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या है, पहला ए क्या दिया है आपका, 0.2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो 0.2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा, तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल दिया है 0.2, वेट मुझे निकालना है, और मास हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 44 होता है। तो डब्ल्यू इक्वल टू आएगा 0.2 × 44, तो ये आएगा वैल्यू आपकी 8.8, है ना, 8.8 आपका निकल के आएगा ग्राम। तो 0.2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 8.8 ग्राम, है ना। दूसरा क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है कि 1 मोल आपका अमोनिया दिया गया है। अब इसका मुझे मास निकालना है, तो मैं जानता हूँ नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट आपका कितना है, तो नंबर ऑफ मोल कितना है 1, और वेट मुझे निकालना है, और आपका एम मतलब मॉलिक्यूलर मास, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास से होता है 17, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आएगा, 1 × 17 यानी 17 ग्राम। ठीक है, ए जो भी वैल्यू निकलती है स्मॉल डब्ल्यू की वो ग्राम में होती है।
1 मोल अमोनिया का जो मास होता है वो कितना होता है? 17 ग्राम। इसी तरीके से 0.5 मोल क्या दिया है आपका? एच एच फाइव IO6। तो यहीं से फिर से फार्मूला लगाया गया, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोल दिया 0.5, वेट मुझे निकालना है इन ग्राम में आएगा आपका, यहाँ पे ग्राम में होता है, और डिवाइड बाय इसका मॉलिकुलर मास निकालोगे तो 5 हाइड्रोजन है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1। आयोडीन का जो एटॉमिक मास होता है, क्योंकि एक आयोडीन है तो 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन, आयोडीन का होता है 127, और प्लस 6 ऑक्सीजन है तो 6 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि होता है 16। इसकी वैल्यू आप टोटल जो जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी कितनी? 228। ठीक है, यहाँ पे मैं रख देता हूँ 228, क्योंकि मोलर मास आप रख रहे हो तो ग्राम पर मोल है ना। यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू क्या आएगा? 0.5 इंटू 228, ये वैल्यू आएगी 114 ग्राम जो कि यहाँ पे दिया गया है। एक क्वेश्चन भी मेरा क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, टू एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हाउ मेनी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 6.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई दो हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम है और संख्या में कितने? दो। तो टू हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम से कंबाइन करता है, क्या बनाता है? H2O है ना, आपका क्या देता है? एक मॉलिक्यूल आपका H2O मिलता है। तो कितना मुझे ग्राम हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी अगर मुझे कंप्लीटली रिएक्ट करवाना है 6.4 ग्राम ऑक्सीजन गैस के साथ में? ठीक है, तो मैं पहले देखूंगा कि भाई 6.4 ग्राम जो ऑक्सीजन गैस दिया गया है, ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, है ना। तो कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे अब मुझे ये देखना है। इसका मुझे यहाँ पे देखो, अगर नंबर ऑफ मोल मैं निकालूंगा, 6.4 ग्राम ऑक्सीजन जो गैस है इसका, इसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने होंगे? तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट आपका देखो, नंबर ऑफ मोल मुझे नहीं पता, यही निकालना है, वेट दिया है 6.4 ग्राम, और अगर ऑक्सीजन गैस का देखोगे तो ऑक्सीजन गैस का जो मोलर मास होता है वह कितना होता है? टू ऑक्सीजन एटम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, यानी 32। यहाँ पे 32 आपका ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का मैंने क्या रख दिया? मोलर मास। यहाँ से आपका कितना आएगा? 2 आएगा यहाँ से, है ना। नहीं, वेट तो आपका 6.4 था ना, तो वेट अगर 6.4 था तो आएगा 0.2, यानी नंबर ऑफ मोल कितना निकल गया है? 0.2। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के जगह पे यहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे लिखेंगे मैं पार्टिकल को, मैं क्या ले लूंगा? मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर NA, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना निकल के आएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल के आएगा N इंटू NA। N की वैल्यू कितनी है? 0.2, और एवोगाड्रो नंबर मतलब 6.022×10^23। तो ए वैल्यू आपकी कितनी आने वाली है? 1.2044, इतनी वैल्यू आएगी ये, है ना, × 10^23, है ना। इतने आपके मॉलिक्यूल आएंगे किसके? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। अब चूंकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने आपके एटम प्रेजेंट होते हैं, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में आपके 2 एटम प्रेजेंट है, किसके? ऑक्सीजन के। तो इसी तरीके से 1.2044 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में कितने एटम प्रेजेंट होंगे? इतने मॉलिक्यूल में, इतने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में आपके 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे
आपका निकल के आएगा कितना, 2×10²23। यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 2.4088×10²23 ऑक्सीजन एटम आपका निकल के आएगा, ऑक्सीजन एटम निकल के आएगा, है ना। तो मुझे पता चल गया भाई कि जो आपका 6.4 ग्राम ऑक्सीजन गैस दिया गया था, इतने ग्राम ऑक्सीजन गैस में आपका इतना ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो एक ऑक्सीजन एटम, तो दो हाइड्रोजन जरूरत पड़ रही है, एक ऑक्सीजन एटम को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए दो हाइड्रोजन एटम की आवश्यकता पड़ रही है। तो इतने ऑक्सीजन एटम को अगर वाटर से रिएक्ट करना है तो कितना आपका हाइड्रोजन एटम आवश्यकता पड़ेगी, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तो एक ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन एटम से कंबाइन कर रहा है, तो इतने ऑक्सीजन एटम आपके इससे अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे 2.4088×10²23, यहां से निकल के आएगा 4.806 और यहाँ पे 1 सेकंड, है ना। इतने आपको क्या चाहिए, चाहिए हाइड्रोजन एटम चाहिए। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा था, हाउ मेनी ग्राम, ग्राम में निकालना है मुझे, है ना, ग्राम में मुझे निकालना है, ग्राम में। तो अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। अब निकाला जा सकता है, अब मुझे अगर एटम पता है तो पहले मैं मोल निकाल लूंगा, फिर मैं उसको फार्मूला फर्स्ट में रख के निकाल लूंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, तो मैं दूसरा तरीका लगाता हूँ। दूसरे तरीके से यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम से कंबाइन कर रहा है और बना रहा है H2O। दो हाइड्रोजन एटम का जो मास होगा वो कितना होगा आपका, एक हाइड्रोजन एटम का तो मास होता है 1 AMU, है ना, और एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको मोल के टर्म में लूंगा तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि दो हाइड्रोजन एटम को एक ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करा, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि दो मोल आपका हाइड्रोजन एटम एक मोल ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन कर रहा है, तो मैं इसको ग्राम में लिखूंगा। जब मोल की बात चलने लगेगी तो आप ग्राम में रखोगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कि 2 ग्राम आपका हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन एटम, 2 ग्राम हाइड्रोजन एटम आपका जो है वह 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में क्या कर रहा है, ऑक्सीजन एटम के साथ में रिएक्ट कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। तो 1 ग्राम आपका देखोगे अगर आप, सॉरी, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम जो ऑक्सीजन होगा वह आपका 2×16 ग्राम हाइड्रोजन एटम से रिएक्ट करेगा। 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम आपका 2×6 ग्राम हाइड्रोजन एटम से रिएक्ट करेगा। अब इसी तरीके से बात कर रहा है, कितना दिया गया था 6.4 ग्राम, तो दोनों बगल अगर 6.4 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां से निकल के आएगा आपका कि 6.4 ग्राम आपका ऑक्सीजन एटम को रिएक्ट करने के लिए कितना चाहिए, 2×16 × 6.4, यहाँ से 8 हो गया 0.8 ग्राम, यानी इतना ग्राम मुझे हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन एटम, इतना ग्राम मुझे हाइड्रोजन एटम चाहिए, तब आपका क्या होगा, रिएक्शन होगा। ए बी आंसर आपका यहाँ पे 0.8 ग्राम दिया गया है। आई होप एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था भाई, दो हाइड्रोजन एटम आपका एक ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है H2O, ठीक है। अगर मैं कहूं कि आपका अगर दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 2 मोल हाइड्रोजन एटम एक मोल ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है और 1 मोल H2O बना रहा है। तो चूंकि 1 मोल हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वह होता है 1 ग्राम, तो ऐसे 2 मोल हैं तो यहाँ पे आपका 2 ग्राम मास हो जाएगा इसका, और इसका मास हो जाएगा 1 मोल ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है 16 होता है, यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन एटम को रिएक्ट कर रहा है 16 ग्राम आपका ऑक्सीजन एटम के साथ में। तो इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि भाई 1 ग्राम जो ऑक्सीजन एटम है वह 2×16 ग्राम हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करेगा, और दोनों पक्षों में अगर मैं क्या करूंगा 6.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर निकल के आएगा 0.8।
ये भी क्वेश्चन मेरा क्या हुआ, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ये कंपाउंड है ठीक है, और इस कंपाउंड में पाया गया कि आपका इतना परसेंट कार्बन है, इतना परसेंट ऑक्सीजन है और इतना परसेंट हाइड्रोजन है। मुझे क्या निकालना है, सिंपल व्हाट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर एटॉमिक रेशियो इन द कंपाउंड, यानी इस कंपाउंड में जो आपके एटम प्रेजेंट होंगे उनका सिंपल होल रेशियो क्या होगा। तो ऐसे केस में देखो, केमिकल फार्मूला 3 टाइप के होते हैं, केमिकल फार्मूला 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मोलिकुलर मास, मोलिकुलर फार्मूला, दूसरा होता है आपका, एक होता है मोलिकुलर फार्मूला और दूसरा जो होता है आपका वह होता है क्या, दूसरा होता है आपका इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला, और तीसरा होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला क्या बताता है, मॉलिकुलर फार्मूला किसी कंपाउंड में प्रेजेंट रियल में, मॉलिकुलर फार्मूला रिप्रेजेंट दी टेल, मॉलिकुलर फार्मूला टेल रियल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड में रियल में कितने एटम प्रेजेंट है इसको कौन बताएगा, आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला बताता है कि किसी कंपाउंड में कितने आप जो एटम है वो किस रेशियो में है, जो डिफरेंट एलिमेंट के जो आपके एटम है वह किस रेशियो में है। और स्ट्रक्चरल फार्मूला बताता है कि उस कंपाउंड में जो एटम है वह एक दूसरे के साथ किस तरीके से अरेंज है ना। जैसे मान लो कि आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, तो ए है आपका, एक किस टाइप का फार्मूला है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्यों, क्योंकि ए फार्मूला ये बता रहा है कि भाई इस कंपाउंड में 6 हाइड्रोजन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम है, तो रियल में इतना होता है ठीक है। लेकिन अगर इंपेरिकल फार्मूला, इस ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला हम लिखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन एटम कितने हैं, 6 हाइड्रोजन एटम है, 12 और ऑक्सीजन एटम है 6, तो इनका रेशियो लेना पड़ेगा, तो 1:2:1, यानी आपका कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एटम का रेशियो है वह है 1:2:1, यानी हाइड्रोजन एटम ये बीच वाला, ये जो हाइड्रोजन एटम है वह कार्बन एटम की संख्या में क्या है, 2 गुना है, और ऑक्सीजन एटम की भी तुलना में क्या है आपका, 2 गुना है। तो इसका आपका जो इंपेरिकल फार्मूला बनेगा वह बनेगा ए रेशियो, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1:2:1, यानी इसका दिस इज इम्पेरिकल फार्मूला, किसका, ग्लूकोज का। और एक आपका फार्मूला क्या बता रहा है, एक फार्मूला ये बता रहा है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनका रेशियो क्या है। तो यहाँ से मुझे देखने से मिल रहा है, एक आप जो ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट है A1 है, A2 है, A1 है, इसका मतलब आपका कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एटम है इस मॉलिक्यूल में वो किस रेशियो में है, 1:2:1। मुझे इसका निकालना है भाई, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, मुझे इसका निकालना है। तो यहाँ पे आप पहले देखो, ऐसे केस में क्या होगा, आपको पहले एलिमेंट लिखना पड़ेगा, फिर देखो एलिमेंट कौन कौन है, कार्बन, कार्बन लिखा गया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिखा गया है, और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन है। अगर कोई और एलिमेंट प्रेजेंट होता तो मैं नीचे और लिख देता, हालांकि यहाँ पे 3 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, और उन एलिमेंट के सामने किस एलिमेंट का कितना परसेंटेज है, तो कार्बन का परसेंटेज 55, ऑक्सीजन का 36 और हाइड्रोजन का 9 है। अब यहाँ पे अब उसके आगे क्या लिखना है, उसके आगे एक और कॉलम बनाना है, उस कॉलम में मुझे लिखना है कि जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास कितना है, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। फिर आगे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे एटॉमिक मास गलत दिया है, यहाँ पे एटॉमिक मास नहीं लिखा जाता, यहाँ पे लिखा जाता है एटॉमिक मास रेशियो, एटॉमिक मास रेशियो,
मास रेशियो, और इसको एक ऐसा एक आपका ये जो परसेंटेज होता है उसको मुझे एटॉमिक मास से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है एटॉमिक मास परसेंट, मतलब ऊपर क्या है आपका परसेंटेज, तो परसेंटेज हमको कितना था कार्बन का 55, और मैंने यहाँ पे चूंकि कार्बन के सामने है ना तो कार्बन का मुझे एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया आया 46। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी यही काम करूंगा, का 16 सॉरी 16 नहीं था, यहाँ पे 36 था भाई, यहाँ पे हाँ यहाँ पे 36 था, तो 36 मैंने यहाँ पे रखा ऊपर परसेंटेज और नीचे आपका क्या एटॉमिक मास, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, यहाँ पे 16 से डिवाइड कर दिया आया 2.5। इसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन का परसेंटेज डिवाइड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज 9 था और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो यहाँ पे 9 आएगा। अब चूंकि यहाँ पे क्या है डेसिमल में है ना, तो मुझे किसी भी तरीके से इस डेसिमल को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो, इसके लिए मुझे क्या यहाँ आगे जो कॉलम बनेगा वो बनेगा आपका सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा जो इन में से सबसे लोवेस्ट होगा, लोवेस्ट नंबर कौन है 2.25, इन तीनों में से इसी लोवेस्ट नंबर से मैं तीनों में डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे डिवाइड किया देखो दो आया। अब इसको इसी 2.5 को सबसे सिंपलेस्ट नंबर कौन था यही था, तो इसी से मैं डिवाइड करूंगा तो आएगा 1। फिर आपका 9 को मैं डिवाइड करूंगा, सिंपलेस्ट नंबर कौन था आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो 2.25, तो यहाँ पे डिवाइड किया गया 2.25 से आया 4, यानी कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, यहाँ पे कार्बन है ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, कार्बन का जो रेशियो है 2 है, ऑक्सीजन के सामने रेशियो कितना निकलता है 1, और हाइड्रोजन के रेशियो सामने क्या निकल के आया 4। दिस इज यानी इसका जो इम्पेरिकल फार्मूला निकल के आ रहा है वह आ रहा है C2OH4, दिस इज योर इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड है ना। अगला क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है कि व्हाट सैंपल टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्स आर फाउंड ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द सेम रेशियो 1:8 बाई मास एंड 2:1 बाई वॉल्यूम, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज इलस्ट्रेटेड बाई दिस ऑब्जर्वेशन। एक क्वेश्चन मैं लगवा चुका हूँ ठीक है, तो वो आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। ये आपका क्या है कि एक वाटर, जो वाटर है वाटर का सैंपल हम लोग डिफरेंट सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, और हर एक ये वाटर है ठीक है, इसको हम लोग डिफरेंट सोर्स से क्या करते हैं प्राप्त करते हैं, और हमेशा इस सैंपल में देखा गया कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वह है 1:8 ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा है कुछ भी सोर्स है, लेकिन जो इस वाटर ये जो आपका वाटर सैंपल है इसका सोर्स कुछ भी हो, इसमें हमेशा क्या देखा गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वह 1:8 है, तो किस लॉ को फॉलो करता है, तो ये था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है एक क्वेश्चन आपका डाल्टन थ्योरी में क्या है मॉडिफाइड किया गया, भाई डाल्टन कहते थे कि एटम इज नॉट डिविजिबल, लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो पता चला कि भाई एटम भी किसी और चीज से मिलकर बना है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यही बात बाद में मॉडिफाइड की गई ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोलर मास एंड मोल मोलर मॉलिकुलर मास एंड मोलर मास, देखो मोलर मास क्या होता है मॉलिकुलर मास, तो मॉलिकुलर मास आपका 1 मॉलिक्यूल का जो मास होता है ना, 1 मॉलिक्यूल मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसे बोलते हैं मॉलिकुलर मास, और एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग मोलर मास, डिफरेंस पता चल गया आपको, एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसे बोलेंगे मॉलिकुलर मास, और एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे मोलर मास। अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, वा दी मास ऑफ ए सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट इतना ग्राम, कोई एलिमेंट है और इस एलिमेंट का एक सिंगल एटम जो है, एक एटम मान लो आपका कोई एलिमेंट है, इस एलिमेंट का जो एक एटम का मास है वह कितना दिया गया है 1.05 × 10²² ग्राम है ना।
ठीक है, एक एटम का जो मास दिया गया है वह दिया गया है आपका 1.05 × 10²-22 ग्राम, है ना। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास क्या होगा। तो एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है आपका, एक एटम का मास, ठीक है, एक एटम का मास हम लोग क्या बोलते हैं, एक एटम का जो मास होता है उसे क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, ठीक है। इसे देना चाहिए था, यहाँ पे तो एक एटम का मास दिया ही गया था, एटॉमिक मास तो इतना आपका सही था। अब इसको देना चाहिए था एटॉमिक मास नहीं, मोलर एटॉमिक मास देना चाहिए था, मोलर, मोलर देता अगर तो ये सब क्वेश्चन ये बन जाता कि 1 मोल एटम का मास कितना होगा, है ना। तो अगर इसका मैं, इस एलिमेंट का मैं मोलर एटॉमिक मास निकालूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, एक एटम का मास इतना है, तो 1 मोल मोलर एटॉमिक मास मतलब 1 मोल एटम, 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 × 10²³, और मैं इतने एटम होते 1 मोल में, और क्योंकि 1 मोल एटम का जो मास है वह इतना है, इतने एटम का मास कितना होगा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -22, और ये वैल्यू निकल के आती है आपकी कितनी, 63.2 क्या ग्राम पर मोल, है ना। इतना मास मुझे निकल के आता, मोलर एटॉमिक मास इतना निकल के आता। अब विच एलिमेंट कुड बी दिस, एक कौन सा एलिमेंट है, तो भाई इतना तो मोलर एटॉमिक मास किसका होता है, कॉपर का, तो आपका एलिमेंट कौन है, कॉपर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 भी क्या होगा, सॉल्व हो गया। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।